सो हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और आज मैं एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट लेके आया हूं सोनी के MC88 का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैमकॉर्डर है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट करेंगे। मैं बाकायदा आपको इस रूम में विद लाइट और विदाउट लाइट इसका ओवरऑल लो लाइट में कैसा परफॉर्मेंस है वो आपको लाइव टेस्ट दिखाने वाला हूं। तो आप स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल पे। अपकमिंग वीडियोस में इसकी और सेटिंग्स वाले वीडियो भी आने वाले हैं। इफ़ यू नो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो यू नो अबाउट इट। साथ साथ में हम लोग बिल्कुल लाइट ऑफ करके भी देखेंगे कि किस तरीके से इसका लो लाइट में ओवरऑल DB का परफॉर्मेंस है, कितना DB तक आप इसको खींच सकते हो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो इस MC88 कैमकॉर्डर से। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट के चैनल को सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जो है मैंने मेरे MC88 को कनेक्ट कर लिया है, और यू कैन सी दी स्क्रीन जो अभी MC88 आपको नज़र आ रही है, राइट। सो यहाँ पे जो मेरा DB लेवल है दैट इज़ F2.8 जो मेरा अपर्चर है, और जो DB है वो है 6, और शटर स्पीड जो है वो 50। हम धीरे धीरे करके DB इंक्रीज करेंगे एंड वी कैन सी के नॉइज़ का किस तरीके से परफॉर्मेंस है वीडियो के अंदर। सो मैं अभी 6 DB पे हूँ, लेट्स इंक्रीज दी DB। 9 DB हो गया, एंड 9 DB में यू कैन सी के कैसे यू नो कलर्स नज़र आ रहे हैं, राइट। सो 9 DB में अभी ओवरऑल प्रॉपर एक्सपोज मुझे वीडियो नज़र आ रही है। मेरी जो पिक्चर प्रोफाइल है दैट इज़ PP4, जो कि सिनेमा टून प्रोफाइल है, जो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ टू यूज़। और थोड़ा और DB इंक्रीज़ करते हैं, 12 DB थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है। मेरा फेस आप देख सकते हैं काफ़ी ओवर एक्सपोज इस वीडियो में नज़र आ रहा है। 15 DB और ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है। नॉइज़ अभी भी वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं दिख रहा है वीडियो में। 18 DB, अगेन वीडियो पूरी वॉश्ड आउट हो चुकी है, हल्का फुल्का बैकग्राउंड में यू विल एबल टू सी नॉइज़ जो आपको नज़र आ रहा होगा, पर वो आएगा बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा लाइट को बढ़ा दिया है और ओवरऑल पूरे हाईलाइट्स यू नो पूरे फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। देन ऑल द वे मैं मेरी फुटेज को 33 तक लेके रह सकता हूँ। 33 तक पूरी फुटेज ओवर एक्सपोज हो जाएगी, और इतनी यूजुअली हम लोग यू नो DB वैल्यू यूज़ नहीं करते जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो यूजुअली जो हम लोग DB यूज़ करते हैं दैट इज़ मैक्सिमम 18 या 21, और 21 तक आप देख सकते हैं अभी इस टाइप की लाइट सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है। अब मैं लाइट क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, एंड देन सी के ऑफ करने के बाद में लाइट इसका कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस है। सो लाइट मैंने अभी सारी ऑफ कर दी है, केवल एक लाइट ऑफ चल रही है ताकि मेरा कैमरा जो मुझ पर फोकस कर पाए, और यूजुअली हम बिल्कुल अंधेरे में कभी नहीं शूट करते हैं। टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट्स व्हाई मैंने एक छोटी सी लाइट ऑन रखी है। सो अभी मैं ऑलरेडी 18 DB पे आपको नजर आ रहा हूँ, और 18 DB पे यू कैन सी के बैकग्राउंड में हल्का फुल्का नॉइज दिख रहा है, राइट। तो इतना थोड़ा बहुत नॉइज शेडो एरिया में आपको दिखाई देगा अब अगर इतने ज़्यादा हाई DB के ऊपर काम कर रहे हो। तो लेट मी डिक्रीज दी DB, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 से, जो कि हमने बेसिक्स पे स्टार्ट किया था। ऑटो फोकस अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट फोकस जो है वो पीछे की तरफ चले गया बिकॉज पीछे आपको ज़्यादा लाइट जो है और कैमरा इस वजह से पीछे की तरफ फोकस कर रहा है। नाउ मैं थोड़ा सा DB बढ़ाता हूँ, 9 DB हो गया, 12 DB हो गया, एंड देन 15 DB हो गया, एंड देन 18 DB हो गया, एंड देन 21 DB हो गया, 24 30 27 30 33। तो वीडियो पूरी ओवर एक्सपोज या ब्लो आउट अभी आपको नज़र आ रही है। सो मैंने ये देखा है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, इतनी लो लाइट सिचुएशन में हो, तो 18 DB तक जो है कैमरा वो बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप यू नो 18 DB वाले लेवल पे शूट कर रहे हो। तो नॉइज़ जो है वो बहुत लिमिटेड मिलेगी, आप आसानी से पोस्ट प्रोडक्शन में उस नॉइज़ को कम कर सकते हो। ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी आपको बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छी बन के मिलेगी, अच्छे कलर्स के साथ बन के मिलेगी। तो आप 18 DB वाले को यू नो 18 DB तक, या फिर एक बहुत ज़्यादा यू नो बहुत मुश्किल समय है और आपको और ISO को एक्सपेंड करना है, तो आप यू नो 21 DB तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो। और 21 DB मैं इमरजेंसी के टाइम पे बोलूँगा, और नॉर्मल सिचुएशन में आप 18 DB तक यू नो काम कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप 18 DB तक शूट करिए, और 18 DB के बाद यू कैन यू नो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, इन केस ऑफ दैट आप यू नो मैक्सिमम यू नो 21 DB तक जा सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, ये था MC88 का लो लाइट टेस्ट। आई होप आप लोगों को ये एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट पसंद आया होगा। आप 18 DB तक सेफर साइड इससे शूट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई नॉइज़ ज़्यादा वीडियो में नहीं देखने को मिलती है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कितना लो लाइट तक आप इसको लेके रह सकते हो कैमरा को, काफ़ी लो लाइट तक ये जा सकता है। ऑब्वियसली मैं अभी मैं 7mm से यूज़ शूट कर रहा हूँ, और मेरा कैमरा जो फुल फ्रेम सेंसर है, और मैंने जो लेंस भी लगा रखा है दैट इज़
1.4 वाला लेंस, तो इस वजह से आपको लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरा का ज़्यादा दिखाई देगा बिकॉज ऑफ मैंने बहुत एक्सपेंसिव सेटअप जो है अभी राइट नाउ वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर मैं कैमकॉर्डर के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो 18 dB और 21 dB बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं कैमकॉर्डर के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो। काफ़ी अच्छा लो लाइट कैमरा बेसिकली है और काफ़ी लो लाइट तक आप यू नो वीडियो से शूट कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक डाल रखे हैं, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो कैमकॉर्डर को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ में मेरा बेसिक्स ऑफ वीडियो वाला कोर्स लाइव हो चुका है, वो भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे लिंक। और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग गाइस।